हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3 का आगे का लेक्चर जो स्टार्ट होने जा रहा है। पिछले क्लासेस में हमने आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल कैलकुलस का 1 से लेकर 12 तक अभी तक मैंने डाल दिया है, आप चैनल पे देख सकते हो और देख के अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और मैं फुल्ली सोल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को, पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। डे बाई डे मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देखो, इंजॉय करो। और मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे तक जितना जा सकता है, ठीक है। आगे आप लोग देखो, इंजॉय करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है आपका 13th नंबर। 13th नंबर क्वेश्चन ने कहा है cos 2x माइनस cos 2α डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे। आपको कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला है माइनस टू साइन सी प्लस डी, यानी ये सी है और ये डी है। ओके, टू एक्स प्लस ये टू अल्फा है, टू एक्स प्लस 2α डिवाइडेड बाई 2 इन टू साइन सी माइनस डी, टू 2x माइनस 2α डिवाइड बाई 2। ओके, नीचे भी उसी तरह का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, माइनस 2 साइन x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इन टू साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ गेट आगे हम लोग ये काट जाएगा। ओके, अब हम लोग के पास क्या बचा, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू के फॉर्म में हम लोग को बच गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसको फॉर्मूला में तोड़ लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसके पहले जो है 2 कॉमन आएगा कट जाएगा 2, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा कट जाएगा 2। तो हम लोग क्या कर लेंगे, साइन एक्स प्लस अल्फा और यहाँ पे रहेगा साइन एक्स माइनस अल्फा। ओके, और नीचे आपका था साइन x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। ओके, अब आपको पता है साइन अल्फा प्लस x प्लस अल्फा और साइन x माइनस अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो चलिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला पता है, साइन a cos b cos a sin b होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। तो हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। ओके, इसी तरह इसका भी होगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई। ओके, ये प्लस का था कंडीशन, तो आपका 2 साइन साइन 2a का फॉर्मूला पता है, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ओके, उसी फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया, इस फॉर्मूला को, ठीक है, एक्सपेंड कर लिया, तो 2 साइन, ठीक है, साइन 2a तो अल्फा बाई 2 होता, हाफ हो जाता है, हाफ हो गया, हाफ हो गया, जैसे यहाँ 2 था तो a हुआ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा है तो उसका हाफ हो जाएगा, उसका जो भी वैल्यू रहता है उसका हाफ हो जाता है। इस तरह से हुआ डिवाइड बाई जो टर्म था यहाँ का लिख दिया मैंने, तो 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। कुछ कटता है तो काट लेंगे, ये वैल्यू कट गया। ओके, ये 2 से 2 तो पहले ही कट चुका था ना, चलिए कट गया। अब आपका बचा क्या, आपका वैल्यू ये भी कट गया आपका। ओके, तो हम लोगों को बच क्या गया, ए टू आपका यहाँ आया था क्योंकि फॉर्मूला उसके बाद पूरे थे, इससे पहले तो काट लिया था हमने। चलिए, तो क्या बचा, 2 2 4 बच गया। ओके, 4 बच गया, और यहाँ क्या बचा आपका, कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 और यहाँ बचा कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ओके, ये आपका बच गया। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको भी फॉर्मूला में हम लोग तोड़ लेंगे। इसको फॉर्मूला में तोड़ने के लिए हम लोग लिख लेंगे, चलिए आते हैं,
फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस, इसका फॉर्मूला होता है 2 को मल्टीप्लाई के टर्म में, हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, एक ये हो गया, और प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 माइनस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, ये आपका फॉर्मूला में हम तोड़ लिया हमने, ठीक है। तो बच गया क्या आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस आपका आएगा यहाँ पे ये 2 तो आपका कॉमन था, कॉमन 2 और यहाँ बच गया कॉस अल्फा। ओके, कॉस का आपका इंटीग्रेशन लगा लेंगे, एक्स लगा लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस का होता है साइन एक्स, और ये यहाँ आपका आ गया कॉस अल्फा का कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट में डीएक्स के फेवर में क्या होता है, रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपका आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है चेक करते हैं हम लोग। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। ओके, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, एज इट इज। इसको 1 को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला पता है आपको, अभी जस्ट पढ़े थे, 2 साइन ए भी एक्स लग गया इंटू कॉस एक्स। ओके, ये आपका डी एक्स लग गया, तो क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब फिर में रख गया, इस टर्म को हम टी मान लेंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू टी, तो आपका साइन का आपका हो गया माइनस कॉस, ठीक है, साइन का हो गया आपका कॉस का हो गया, साइन होता है माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन हो गया, साइन का कॉस हो गया कॉस एक्स, और ये आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। ओके, ये टर्म्स आपको पहले ही से आ गया, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये आपका ऊपर में डी टी टर्म हो गया और यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन साइन लगा लेंगे, ठीक है। इसका होता है माइनस 1 बाई टी प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई टी का वैल्यू जो था पुट कर लेंगे, क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका हम लोग ने 14 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है, और इसको हमने इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला किया, इसको हमने टी माना, इसका जस्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है, डी टी हो जाएगा, उसको वैल्यू पुट कर लिया और इसको इंटीग्रेशन किया, टी का स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 2 होगा, प्लस 1 करेंगे पावर में इंटीग्रेशन करने के बाद, और जो पावर ऊपर था वह नीचे करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर भी सॉल्व कर लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 15 नंबर की। ओके, कुछ करना नहीं है ज्यादा कुछ विशेष, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec x और dx, sec 2x है ना, sec 2x dx, इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, ठीक है। इस sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 10 स्क्वायर x 2x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और जैसा था उसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, और यहाँ पे dx लगा देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर माइनस 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। तो sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x आ गया माइनस 10 2x इंटू sec 2x और ये dx आ गया, ठीक है।
इंटीग्रेशन लगा लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, sec स्क्वायर 2x है, इसको अगर t मानेंगे, ठीक है, तो आपका sec x tan x इक्वल टू dt होता है। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे sec 2x इक्वल टू t, तो sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec 2x और tan 2x और dx इक्वल टू dt, और 2x के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म आपका यहीं रह जाएगा, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको इसका वैल्यू क्या आया, dt बाई 2, तो 1 बाई 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ओके, ये वैल्यू तो आपका t माना गया था, स्क्वायरिंग करेंगे, sec 2x का वैल्यू t था, तो स्क्वायरिंग था, t स्क्वायर होगा, और ये टर्म आपका dt बन गया। ओके, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा आपका sec x tan x का होता है, इंटीग्रेशन sec x होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, sec 2x डिवाइड बाय कांस्टेंट जो भी वैल्यू होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रेशन में आया था, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, आपका इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, प्लस सी हो गया। tan स्क्वायर का होता है tan 2 बाई 3, और पहले से ऑलरेडी 2 था, तो 6 माइनस sec 2x ओके बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। और t को क्या माना गया था, sec 2x, तो डाल देंगे t का वैल्यू जो था sec स्क्वायर था, यहाँ क्यू है, क्यू डाल दिया हमने, 2x डिवाइड बाय 6 माइनस sec 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हम लोगों का तैयार हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15th नंबर हमने बना दिया, फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मैंने बार बार बताया है, एलिमेंट का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, तब ये बनने में आसान होता है। 15th हम लोगों ने बना लिया, आपके आते हैं हम लोग 16th नंबर, ये आपका है tan का पावर 4x और ये है dx, इंटीग्रेशन करना है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 tan का फॉर्मूला होता है, पता है आपको, और एक tan स्क्वायर बच जा रहा है, उसको इसी तरह छोड़ दिया हमने, dx अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, जैसा पहले भी क्वेश्चन में किया था, इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों साइड हो गया, तो dx लगेगा। ओके, ये हो गया, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आया, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, tan x को क्या कर लेना है, tan x को हम लोग t मानेंगे, क्या आता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके, तो tan x को t माने तो t स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आया, dt हो गया, ये इंटीग्रेशन साइन रही भी रहेगा, और यहाँ पे आपका tan स्क्वायर x है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये रहा dx। ओके, t का होता है इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस sec स्क्वायर का होता है आपका tan x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, तैयार हो गया, tan का वैल्यू जो हमने डाला था पुट कर लेंगे, तो क्या था tan का वैल्यू, tan का वैल्यू था sec स्क्वायर ये 2x हो जाएगा, क्योंकि आपका tan t का वैल्यू sec 2x है, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर डाल दिया by 2 माइनस tan x ओके प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हम लोगों का 16 नंबर भी क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है, अच्छा ओके, ये क्वेश्चन sec 2x नहीं माना था हम लोगों ने, ये आपको tan x को माना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, tan स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो tan स्क्वायर आपका, एक मिनट, tan स्क्वायर था ना यहाँ पे t स्क्वायर का t क्यूब हो जाएगा ना, t क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे आपका t क्यूब बाई 3 हो गया, और tan x है sec स्क्वायर x का tan x होता है, और माइनस माइनस प्लस, और उनका आपका x होता है, प्लस x कर लिया प्लस c कर लिया। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग आपको आगे का वीडियो डालते रहेंगे, आप अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवाइए, ताकि वीडियो और भी आपको फटाफट में डेली का डेली ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहे। ओके, गुड लक।